हेलो, इंडियाज लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यार। क्रिसमस एंड न्यू ईयर इज कमिंग एंड सेंटा इस बार हेलो के यूजर्स के लिए लाया है गिफ्ट्स। अब दोस्तों से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, हेलो पे ही मिलेगा सेंटा से सबसे बड़ा गिफ्ट। प्ले क्रिसमस एंड 2020 कैश धमाका और जीती अमेजिंग प्राइजेस ऑन पेटीएम डेली 1 जनवरी तक। पार्टिसिपेट करने के लिए डाउनलोड हेलो ऐप एंड प्ले हेलो 2020 एंड गेट अ चांस टू विन फैंसी मोटर्स बाइक एंड स्मार्टफोन। डेली प्राइजेस 2 करोड़ तक के हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग ब्रो। मैं तो पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो देर किस बात की है। आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप एंड कीजिए पार्टिसिपेट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। एक गांव में टिंकू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रात होती ही उसके घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी। अच्छी सुनिए ना, देखिए ना, वो डरावनी डरावनी आवाजें फिर से आने लगी हैं। उठिए ना अजी, उठिए ना। क्या हुआ रेशमा? अजी देखिए ना, जमीन के अंदर से फिर से किसी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। रोज रात होते ही ये आवाजें आने लगती हैं। आप कुछ कीजिए ना, इतने डर के माहौल में मैं नहीं रह सकती। ठीक है, मैं सुबह होते ही ये जमीन खुदवा कर देखता हूँ, आखिर माजरा क्या है। अभी तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर टिंकू सो जाता है और रेशमा डरते डरते पूरी रात गुजार देती है। फिर दिन होने पर, अरे भाई, मेरे घर में जमीन के अंदर से रात होते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तुम मेरे साथ चलो और जमीन को खोद के देखो, आखिर माजरा क्या है। नहीं नहीं टिंकू भाई, पूरा गांव बोलता है कि तुम्हारा घर श्रापित है। तुम्हारे घर की जमीन के नीचे किसी भूत पिशाच का वास है। अगर मैंने तुम्हारे घर की जमीन खोद दी तो सबसे पहले वह चुड़ैल मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। चल डरपोक, चल भाग यहाँ से, मैं किसी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। फिर टिंकू वापस अपने घर की ओर चल देता है। फिर रात होने पर टिंकू और रेशमा सो रहे होते हैं, तभी वो डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है और रेशमा की नींद खुल जाती है। अजी अजी उठिए ना, देखिए ना, वो आवाजें फिर से आने लगी हैं। आज आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर टिंकू गुस्से में उठता है और कुल्हाड़ी से जमीन खोदने लगता है और कुछ ही देर में अपने कमरे में एक गहरा गड्ढा खोद देता है। तभी वो डरावनी आवाजें तेज हो जाती है और उस गड्ढे से बहुत तेज बदबू आने लगती है। बदबू कैसी है? क्या हमने गड्ढा खोदकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? फिर टिंकू उस गड्ढे के अंदर उतर जाता है। वहाँ उसे एक औरत की लाश मिलती है। फिर वो उस लाश को अपने कंधे पर डालकर गड्ढे से बाहर निकल आता है। अजी, ये किसकी लाश है और ये हमारे घर के नीचे कैसे आ गई? पता नहीं भगवान, ये लाश कहाँ से आ गई? अजी, क्या ये लाश ही डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रही थी? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, इसके चेहरे से कपड़ा हटाकर तो देखिए कि क्या पता कोई जान पहचान का हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर कोई चुड़ैल निकली तो? मैंने आपसे बड़ा डरपोक अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो एक लाश से भी डर रहा है। फिर रेशमा उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटा देती है और उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है। वो एक चुड़ैल होती है। अरे मर गई रे अजी, ये तो कोई चुड़ैल की लाश है। कहीं हमने इसे बाहर निकाल कर कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे बहुत डर लग रहा है जी, कहीं ये जाग ना जाए। फिर टिंकू उस लाश को उठाकर वापस गड्ढे में फेंक देता है। भगवान, हमें अब और यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो रे। फिर जैसे ही टिंकू भागने लगता है, वो लाश टिंकू की टांग पकड़ लेती है। अरे मर गया रे। अरे प्रीतम, मेरे लिए रुको, इस कमबख्त ने मेरी टांग पकड़ ली है, अब मैं क्या करूं? अरे चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो, आप ये घर ले लो, हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आज से आप ही इस घर की मालकिन है, बस मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। इतने सालों के बाद कोई इंसान मेरे हाथ आया है, ऐसे कैसे छोड़?
दूं। फिर वो चुड़ैल टिंकू की टांग को काट खाती है। अरे मर गया रे! हाय रे! ये नासमिटी चुड़ैल ने तो मेरी टांग पर काट लिया। अरे कमबख्त, ये तूने क्या कर दिया, मेरी टांग ही चबा डाली। कम से कम अब तो मुझे छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ रेशमा भागती हुई जाती है और कुछ लोगों से मदद मांगती है। भाई साहब, मेरी मदद करो, मेरे पति को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलो चलो। फिर कुछ गांव वाले रेशमा के साथ उसके घर आते हैं और वो लोग खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये कहा भाई, ये तो कोई चुड़ैल है। अरे बहन, ये चुड़ैल तुम्हारे घर कहाँ से आ गई? भाई साहब, ये कमबख्त चुड़ैल बहुत सालों से हमारे घर के नीचे ही रह रही थी। हमने जैसे ही अपने घर के जमीन की खुदाई की तो ये कमबख्त जमीन से बाहर निकल आई। अरे नाच मिटो, बाहर खड़े होकर बातें ही करते रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? हाय रे, ये चुड़ैल तो मेरी टांग छोड़ ही नहीं रही। अरे मर गए। अरे अरे बिरजू भाई, वह देखो, इस चुड़ैल ने तो टिंकू भाई की टांग को काट खाया है, अब ये भी भूत बन जाएंगे। टिंकू भाई, इस चुड़ैल ने तो तुम्हारी टांग पर काट लिया है, अब तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग को शरीर से अलग करना ही होगा, नहीं तो इसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम भी इसके जैसे बन जाओगे। अरे मर गया रे! नहीं भाई नहीं, मैं अपनी टांग को नहीं काट सकता। ठीक है भाई, फिर तुम भी इसकी तरह भूत बनने को तैयार हो जाओ। अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये भूत बन गए तो मेरा क्या होगा? अजी, आप अपनी एक टांग काट कर खुद को इसके चंगुल से आजाद क्यों नहीं करवा लेते जी? मैं एक लूल्हे के साथ तो जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन अगर आप भूत बन गए तो मेरा क्या होगा? बिरजू भाई, हमें इस घर को आग के हवाले करना ही होगा। अगर ये चुड़ैल आजाद हो गई तो पूरे गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम ठीक कहते हो भाई, हमें इस घर को आग के हवाले करना ही होगा। अरे नाश मिटो, ये कैसी तरकीब बना रहे हो, मेरा ख्याल तो करो। इस चुड़ैल के साथ साथ मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। देखो टिंकू भाई, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, जल्दी से अपनी टांग काट कर इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लो, नहीं तो हम इस घर को आग के हवाले कर रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी रेशमा पड़ोस के घर जाती है और एक बड़ा सा चाकू उठाकर ले आती है। अजी ये लीजिए, इससे अपनी टांग को अलग कर दीजिए और जल्दी से बाहर आ जाइए। फिर रेशमा उस चाकू को टिंकू की तरफ फेंक देती है। फिर टिंकू उस चाकू को उठा लेता है। हे भगवान, अब क्या करूं? जो होगा देखा जाएगा। फिर टिंकू उस चाकू से अपनी टांग को काट देता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे! अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे नाश मिट्टी चुड़ैल, तेरी वजह से तो मैं लूला बन गया। हाय, मैं तो कहीं का नहीं रहा। अरे मर गया रे! उसकी एक टांग चुड़ैल के हाथ में रह जाती है। बहुत स्वादिष्ट है, आज तो मजा ही आ गया। टिंकू भाई, जल्दी से इस घर से बाहर निकलो, हम इस घर को आग के हवाले कर रहे हैं। अरे कमबख्तो रुक जाओ, मुझे तो बाहर आने दो। हाय मर गया रे! हाय! फिर टिंकू जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही गांव वाले घर को आग के हवाले कर देते हैं। फिर देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो जाता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद गांव वाले घर का जला हुआ सामान हटाकर उस चुड़ैल की लाश की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वह किसी की कोई लाश नहीं मिलती, बस जमीन में एक गहरा गड्ढा मिलता है। अरे भाई,
ये तो वही गड्ढा है जो मैंने खोदा था, लेकिन उस चुड़ैल की लाश कहाँ गई? भाई मुझे लागत है वह चुड़ैल वापस इसी गड्ढे में घुस गई है। चलो हम इस गड्ढे को बंद कर देते हैं। फिर वो लोग घर के जले हुए सामान से गड्ढे को बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगर आप भी बहुत सारे प्राइजेस इन कैश जीतना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।